हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मामा किचन विद चार्ल्स मस्ती। तो आज हम आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं। हम आज के आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्रेड क्रम्स रोल। तो ये हमने ब्रेड ले लिए हैं, इनको मिक्सी में घुमाकर ब्रेड क्रम्स इनके बना लिए हैं हमने। आधा कटोरी हमने मैदा लिया है, आधा कटोरी सूजी ली है और कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, कुछ धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, पुदीना, टमाटर, प्याज और एक नींबू लिया है और कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं। नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी अजवाइन और कुछ गरम मसाला लिया है। ये सारे ब्रेड्स हम इसमें सब चीज़ें ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो रेडी करेंगे। ये 6 से 7 ब्रेड लिए हैं, उनके ब्रेड क्रम्स हमने बना लिए हैं। ये आधा कटोरी हमने मैदा लिया है, आधा कटोरी सूजी लिया। आप ब्रेड क्रम्स ज़्यादा लें तो थोड़ा सूजी और मैदा की क्वांटिटी बढ़ा दें। सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे हम। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी मसाले आपको पसंद है वो डाल सकते हैं और जितना भी पसंद हो, तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हमने 1-1 टेबलस्पून ली है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे। वेजिटेबल भी आप जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो सब हम छोटी छोटी कट करके आप इसमें डाल सकते हैं, सभी बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। नींबू हमने खट्टेपन के लिए ऐड करा। आप इसमें नींबू की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। नींबू से एक अच्छा सा टैंगीनेस आ जाता है, टैंगी सा टेस्ट आता है और वो बहुत अच्छे लगते हैं। हम इसे अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे और पानी से इसका अच्छा सा एक डो रेडी करेंगे। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही डालना है और एक टाइट सा डो रेडी करना है, सॉफ्ट डो इसका नहीं करना है हमें, इसलिए पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए, अच्छा सा हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। डो को हमें अच्छे से गूंथते हुए अच्छे से रेडी करना है इसका डो को। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अभी ये हाथों की चिपक रहा है इसलिए हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा और हाथों को नहीं चिपकेगा। तो ये 5 मिनट के लिए हमने इसे ढक कर रखा है। तो ये 5 मिनट हो गई है और डो देखिए हमारा अच्छे से सेट होकर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसका हल्का सा ऑयल लगाएंगे इस पर, जिसे डो है हाथों के चिपकेगा नहीं। हल्का सा हाथों पर भी ऑयल लगा लेंगे और हल्का सा इसे मसल करके हल्का सा डो को मसल लेंगे और रोल रेडी करेंगे। थोड़ा इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे, इस तरह से गोल 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 बनाते हुए गोल गोल घुमाकर एक लंबा सा रोल बनाएंगे हम इसमें। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, पर ये देखिए कितनी सुंदर सी लगते हैं ना, ये हमारे गोल गोल लंबे लंबे रोल हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो इस तरह के हम इसे शेप देंगे बहुत ही सुंदर से और अच्छे से हैं, ये अच्छे से अंदर तक पक भी जाएंगे इसे। ये देखिए इसी तरह से सारे हम ब्रेड रोल्स रेडी कर लेंगे। आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही जल्दी 5 से 10 मिनट में बन जाने वाला नाश्ता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो फटाफट से आप उसे बनाकर ये खिला सकते हैं, सॉस के साथ फटाफट से सर्व कर सकते हैं। बनाकर 10 मिनट लगती हैं और बहुत ही टेस्टी और इजी बन जाने वाला नाश्ता है। ये देखिए, कई बार हमारे घर में ब्रेड बच जाती है तो उनसे भी हम इन्हें बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे जो ब्रेड रोल्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से सारे हम इसे ऐड कर देंगे, हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। अगर हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करेंगे। हम चम्मच की हेल्प से इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें सेकेंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा कलर आने लगा है। ये देखिए हमारे ब्रेड रोल्स बनकर
रेडी हैं, कितने सुंदर हैं और अच्छे टेस्टी वाले बने ना, देखकर आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी सभी वीडियोज़ सबसे पहले देख सकें। ये देखिए कितने अच्छे और सुंदर दिख रहे हैं ना, इस तरह से आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो अंदर तक पके हैं या नहीं हम आपको तोड़ कर दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर से अच्छे से पक गए हैं और बहुत ही टेस्टी लगे हैं। तो ये लीजिए, सॉस लगाकर आप इन्हें खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।